तो ए यो सब गाइस मोकिन दन पन और अब जज को न्यू के साथ हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं प्रिंस ऑफ पर्शिया द फॉरगॉटन सेंस। तो पिछले एपिसोड में हम वो जेम्स वाले पार्ट में आ गए थे जहाँ पे वो कुछ जेम्स का काम था, हमको कुछ गेट खोलना था, वो ट्रेजर रूम का एक पार्ट था। तो आगे हम उसको आज अभी कंटिन्यू करने आ रहे, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस मैं समझता हूँ उसको कैसे करना है। तो सबसे पहले तो उसको यहाँ पर पॉज करना है, इसको इस पर लाकर इसको ऐसे करना है। तो ये वाला गिर गया, अब इसको पिंक पे ले जाकर यहाँ पर नहीं वापस जा वापस जा, और इसको पिंक पे करना है और अब मारना है। तो पिंक पे मार नीचे हो गया, अब अपने को इसको ले जाना है रेड पे बस। अब इसको चेंज करके इसको बढ़ देना है, फिर अब अपने को पॉज करना है ब्लू। अरे यार कोई बात नहीं, हो जाएगा ऐसे भी था, मुझे समझ नहीं आता पहले। हाँ अब इसको चेंज करके यहाँ पे इसको ऐसे करना है, तो खुल गए सारे द्वार। ओ तो यहाँ पे एक सीप पॉइंट आ चुका, ड्रिंक कर लेते हैं पानी, सेव कर देते हैं। अरे इनकी ऐसे अच्छा, मैं इनको यहाँ पे भी तो मार सकता हूँ, मैं इनको वहाँ तक ले जाता हूँ। अरे यार क्या कर रहा हूँ, इसको वहाँ तक ले जा लूँगा, मत उधर जाकर उधर जा। चलो वो तो उधर गया, अरे और आ गए, अब उसको जाके मारिए। अरे क्या कर दिया, अरे मैं कटर में आ गया। अरे यार शिट, इसको पीछे ले जाते हैं। ओ तेरी यार कैसे, ये चार्ज अटैक में मार लिया इसको, ये एक गया। ये एक गया मैं मर जाऊंगा। हाँ बच गया, जमीन और टूट गई। आप सेव कर देते पहले, अरे पकड़ ले, अरे यार कर दिया मैंने। नीचे जाने, यहाँ से इधर जंप यहाँ से इधर जंप, यहाँ से इधर जंप, और यहाँ से इधर जंप, यहाँ से नीचे बाहर पे, और यहाँ नीचे आ गए। ओ चलना भाई, अरे नहीं यार। तो गाइस जैसे तैसे मैं यहाँ पे AFK जाके पहुँचा, और बहुत ज़्यादा टाइम लगा, 15-16 बार करा तब जाके मैं यहाँ पहुँचा। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि इस जगह का नाम ट्रेजर रूम्स है, और इसमें अभी तक कोई ट्रेजर तो मिला ही नहीं। हाँ वैसे उसमें लिखा था ट्रेजर रूम के नीचे कि उसमें एलेक्जर मिलेंगे, लेकिन एलेक्जर तो उनको पूरे गेम में मिलते हैं। तो असली ट्रेजर है क्या, असली ट्रेजर है वो, आपको वहाँ एक मूर्ति दिख रही है, तो उस मूर्ति पे थी एक सेबर। तो मैंने वो सेबर वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम गलती से ले लिया, अब उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है कि मैंने उसको लिया या नहीं लिया, मतलब मैंने ले लिया है। मैं आपको दिखाना चाहता था, मैं आपको दिखाता हूँ सेबर है ना, ये सेबर्स में
देख सकते हैं सेवर ऑफ माइंड। तो हमारे पास दो सेवर तो पहले से ही थे, एक सेवर था प्रिंस का जो हमको स्टार्टिंग से मिलता है, एक था सेवर ऑफ आर्डोर जो हमने चुराया था, और ये था तीसरा सेवर और आखिरी सेवर जो हम ले रहे हैं। तो ये सेवर मैंने उठा लिया यहाँ से रिकॉर्डिंग के टाइम। तो चलो कोई बात नहीं, उससे तो कोई मतलब नहीं, वैसे भी हमको फाइट में आके इसको यूज़ करना ही है। सो लेट्स गो, तो नीचे चलते हैं, इसको जमाते हैं। तो यहाँ पे था वो सेवर, अब मैंने यहाँ से ले लिया। तो अब यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करते हैं, नीचे देखते हैं कि फाइट आएगी या नहीं आएगी, या ट्रेजर रूम्स एंड होगा या नहीं होगा। चलो ओ ये आ गए, अभी तुम्हें दिखाता हूँ ये ब्लेड की पावर। ओ गाइस मैं ना अभी अभी अपने मैंने दो अटैक्स भी सीखे, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहला अटैक तो अभी रुक जाओ एक मिनट, सबसे पहला अटैक है दो ही बचार। तो ऐसे ही मैं गलती से अभी मैं एक फाइट कर रहा था, मतलब अभी जब मैंने रिकॉर्डिंग करी तो मैं इस पार्ट तक पहुंच गया था, मैंने सोचा चलो ये पार्ट रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो तभी मैंने ये इस मॉन्स्टर के ऊपर मैं चढ़ा और मैंने ओ दबाया, तो ये ऐसे दो ही पचार हो गया। और दूसरी मैंने डिस्कवर करी अगर हम ओ हाँ तो हम ऐसा कर सकते हैं, मैंने खुद रिएक्शन दिया ओ का, ये बहुत ओपी चीज़ थी, ये लोग करते हैं ना ऐसे। रुक जा या आए मुझे, ओ भाई यार ये बहुत सही चीज़ है, इसको रुक जा फ्रीज करते हैं। इसकी हेल्थ कैसे फुल हो गई, अच्छा ये जादूगर इसकी हेल्थ बढ़ा रहा है, जादूगर की ऐसे सी। तभी सोचो इसकी हेल्थ कैसे बढ़ रही है बार बार। अरे भाई उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, हाँ उधर जाओ, वो जादूगर को मार भाई, वो तेरी हेल्थ बढ़ा रहा है बार बार। तभी मैं सोचूं मेरा अटैक फेल कैसे हो रहा है, आए मुझे जादूगर आए मुझे, अब तू नहीं बच सकता। लास्ट अटैक दो ही बचा गया, यस चलो दो ही बचा नहीं पाया, लेकिन तब भी और इसी के साथ हमारा ट्रेजर रूम हो चुका है एंड बूम। तो अब हम आ चुके हैं द फर्नेस पे, यस। तो गाइस हम आ चुके हैं द फर्नेस पे, और अब सिर्फ दो और छोटे ब्लॉक्स बचे, मतलब कि हमको ये छोटा ब्लॉक भी करना है और अभी दो और ब्लॉक्स बचे, मतलब तीन और पार्ट बचे, उसके बाद हमारी लास्ट बॉस फाइट होने वाली है। और मैंने दो नई एबिलिटीज़ भी सीख ली, उसको कैसे यूज़ करते हैं, और अपने पास एक बहुत पावरफुल स्वॉर्ड भी आ गई है। तो गाइस अब बहुत मज़ा आने वाला है, लेकिन अगर आपका एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मैं आपसे प्रिंसिपल पूछा था फॉरगॉटन साइंस के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।